बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार, मैं स्वर्णता और आज राजनीतिक नव प्रवर्तक में हमारे साथ मौजूद हैं कीर्ति सिंह, एक ऐसी महिला जिन्होंने राजनीति में आने की नहीं सोची थी, लेकिन जब राजनीति में आई तो उनका मकसद सिर्फ राजनीति को बदलना था, सामाजिक काम करना था, यानी लोगों की मदद करते रहना। वैसे में केतकी जी ने राजनीति में आगमन लिया और उसके बाद वो दो बार चुनाव भी लड़ चुकी हैं और इस बार पाटली विधानसभा से वो रनर अप रही थी। हाँ, दूसरे स्थान पर रही, बावजूद उसके लगातार वो अपने इलाके में काम कर रही हैं और लोगों में उनकी अपनी एक अलग पहचान है। तो केतकी जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आगे की बातचीत आप ही के बारे में जानने का प्रयास करेंगे हम। और मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि अपना जीवन परिचय दे और अपने संघर्ष की कहानी हमें बताएं। जी, मेरा नाम केतकी सिंह है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिला वो जहाँ पे मंगल पांडे जी ने जन्म लिया था, ऐसी यशस्वी धरती पर मेरा मायका ससुराल दोनों है। मैरिटार गांव है, बासडी तहसील है, वहाँ की मैं निवासी हूँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत काम करती हूँ। 2012 में मैंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था और 2017 में भी मैं चुनाव लड़ चुकी हूँ। रही बात संघर्ष की, तो संघर्ष कैसे कहा जाए, संघर्ष किन शब्दों में बयान किया जा सकता है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से का संघर्ष करता है। मैं जब राजनीति में उतरी तो आप यकीन नहीं करेंगे कि 2005 की मेरी शादी थी और मेरी एक बच्ची 3 साल की थी और एक बच्ची मेरी 1.5 साल की थी। और 2005 की शादी थी, 2010 में मैं राजनीति में आ गई 5 वर्षों के भीतर, और अपनी 1.5 साल की बच्ची को लेकर, वो बच्ची अभी अच्छे से ना बोल पाती थी, ना रह पाती थी, माँ को छोड़ के भी नहीं रह सकती थी, उस समय से मैंने राजनीति में मुझे उतरना पड़ा, आना पड़ा। उसके पीछे की वजह बहुत खास है, जिसको मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी कहानी के जरिए सभी तक पहुँचाऊँ, ये बताऊँ कि अगर महिला चाह ले या घर की बहू चाह ले तो मान सम्मान के लिए यह लिंग भेद बहुत जरूरी नहीं रहता। जब मैं शादी करके आई थी, उसके 2-3 साल बाद ही, हमारे यहाँ 4 साल बाद प्रधानी का चुनाव था, मेरी अपनी सास, छोटी सास चुनाव लड़ रही थी प्रधानी का। उस समय बसपा की सरकार हुआ करती थी, हमारे यहाँ के पूर्व विधायक हैं वो उस समय विधायक थे बसपा के ही। तो जब हम लोग प्रधानी का चुनाव लड़ रहे थे, मैं घर में अभी 4-5 साल की बहू तो एकदम नई बहू रहती है, मैं घर में थी, मेरे घर के सारे पुरुष, सारे कर्मचारी, हम सारे लोग बाहर प्रचार में गए थे। तभी अचानक भगदड़ सी होती है, मैं अपने कमरे में बैठी हूँ अपनी दोनों बच्चियों के साथ, घर में सारी महिलाएं आई हैं, बेटियां आई हैं, नंदे आई हैं, सब आई हुई हैं, सब अपने अपने बच्चों के साथ है। और तभी देखती हूँ कि खिड़की से अपने कि सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले लाठी लेकर और दौड़े जा रहे हैं। मैंने कभी इस तरह का कभी कुछ देखा नहीं था, आम घर की महिला या आम घर की लड़की कहाँ ये सब देखती है, तो मैंने कभी यह सब नहीं देखा था। तभी मेरी छोटी सास जो चुनाव लड़ रही थी, वो अचानक से मेरे कमरे में आती हैं और कमरा का दरवाजा बंद करके और बहुत डरी हुई, सहमी हुई, और मुझे बचाने के लिए कि भाई मैं घर की बहू हूँ और मेरे साथ 2 बेटियां हैं, तो मुझे बचाने के लिए मेरे कमरे का दरवाजा बंद कर देती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम बाहर नहीं निकलना, बाहर नहीं जाना। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है घर में मेरे, मैं उनसे पूछ रही हूँ अरे बताइए तो क्या बात है, क्या बात है। वो मेरा हाथ पकड़ के और मुझे बिस्तर के नीचे छुपाने का प्रयास करती हैं,
कि छुप जाओ तुम छुप जाओ, मैं हूँ, मैं देख लूंगी, मैं मतलब वो बहुत डरी रहती हैं उस समय। फिर जब मैं उनसे अभी पूछ रही रहती हूँ, तब तक पुलिस वाले, सोचिए सारे मेल पुलिस कर्मचारी मेरे घर के अंदर घुस जाते हैं, और इवन सारे कमरों का तो पता, मेरा कमरा सबसे लास्ट में था, सारे कमरों से होते हुए वो मेरे कमरे तक पहुंचते हैं, और पांव से वो जब तक वो नॉक करते हैं, जब तक मैं खोलती या मेरी कोई बात समझ में आती, तब तक वो दरवाजा तोड़ देते हैं, और तोड़ के वो मेरे कमरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो जब अब तो फिर मुझे समझ में भी नहीं आया कि मेरे को हो क्या रहा है, पर मैंने अपने आप को फिर इकट्ठा किया और मैंने कहा कि अब मुझे, क्योंकि सारे जेंट्स तो बाहर थे, घर पे कोई था ही नहीं, तो मुझे लगा कि अब ये मेरे ऊपर आया है कि अब मुझे इसको संभालना है, इस सिचुएशन को। तब मैं बाहर निकली उनसे हाथ छुड़ाते हुए अपनी सास से, और मैंने उन लोगों से कहा कि ये बताइए, आपके पास एक भी महिला कर्मचारी नहीं है, आप कैसे महिलाओं तक बीच में घुस गए? और फिर मैं उनको खदेड़ते हुए, उस टाइम फर्स्ट टाइम शादी के 5 साल बाद फर्स्ट टाइम मैं अपने घर के दरवाजे से, मेन गेट से बाहर पैदल निकली। मैंने उससे पहले तक हम लोग मेन गेट से बाहर कभी पैदल नहीं निकले, बाई कार निकलते थे, और बाई कार ही अंदर हम लोगों की एंट्री थी, कभी पैदल जाने की परमिशन नहीं थी। पर उस दिन फर्स्ट टाइम मैं निकली, और जब ये सारी चीजें मुझे पता चली, इसी इंसिडेंट के दौरान मेरे चाचा ससुर थे, इतना बर्बरता हुआ मेरे घर पे कि वो ऊपर छत पे छुपे हुए थे उस समय, किसी को पता नहीं था, और थोड़े वो दिव्यांग भी थे, और वो अपनी जान बचाने के लिए, मतलब वो पुलिस वाले डंडे मार रहे थे, तो उनसे बचने के लिए वो सबसे छत पे चढ़ गए, और वहां से उन्होंने जंप कर दिया, वो सब मार रहे थे और उन्होंने कूद गए अपने आप को बचाने के लिए, और वो एक्सपायर कर गए। तो ये सब जब कुछ हुआ और जब सब कुछ शांत हुआ, उसके बाद हम लोग ने कई उस समय के जो पॉलिटिशियन थे या पार्टी थी, उन सबके पास हम लोग, मतलब हम लोग क्या, मेरे ससुर जी ही सबसे बातचीत करना, सब कुछ देखना कर रहे थे। पर उस समय मुझे यह एहसास हुआ कि जब हम जैसे घरों के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आम लोगों का क्या हाल होता होगा इन सरकारों में, या कौन है जिसके पास आम पब्लिक जाती होगी, अपनी बात कहती होगी, या उसकी तकलीफ कोई सुनता होगा। उस समय मुझे याद आता है कि मेरे जिस पार्टी में अभी हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं ने, जिला अध्यक्ष वगैरह उस समय थे हमारे, उन्होंने बहुत हमारे परिवार की हेल्प की थी। और उस दिन मैंने सोचा कि नहीं, घर बैठ के और ये बात सोचने से कि कोई आएगा, कोई महापुरुष जन्म लेगा और इस धरती का उद्धार करेगा, ऐसा कुछ होने वाला फॉर रियल तो नहीं है। और अगर आपको लगता है कि कीचड़ है, तो उस कीचड़ को साफ करने के लिए थोड़े बहुत तो मिट्टी के दाग अपने हाथ और अपने कपड़ों में लगाने पड़ेंगे, यू हैव टू डू दिस। तो फिर मैंने अपने घर पे बात की और मैंने ये अपना एक पॉइंट रखा कि मुझे लगता है कि सिर्फ सोचने और कहने से काम नहीं चलेगा, हम सबको भी अपनी सहभागिता देनी होगी समाज के प्रति, अगर हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है तो हमको कुछ करना चाहिए। फिर मेरे घर वालों ने भी सपोर्ट किया और तब मैं राजनीति में आई। तो राजनीति में आ तो गई, बहुत भावुक डिसीजन था मेरा कि नहीं, मुझे आना है, और मैं जिन लोगों के साथ कोई नहीं खड़ा उसके साथ मुझे खड़े होना है, कम से कम महिला कोई, अगर उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो कोई एक महिला ऐसा तो होनी चाहिए ना नेता, जिसके पास वो जाके, नेता क्या, कोई ऐसी तो उसको याद आए कि हाँ कोई है जिसके पास मैं जा सकती हूँ। मुझे तो उस समय याद नहीं आता था कि मैं किसके पास जाऊँ। तो मैंने अपने आप को सोचा कि मुझे इस तरह खड़ा करना है कि कोई भी महिला हो, वो मेरे पास आकर, कोई भी बेटी हो, कोई भी लड़की हो, उसको मुझसे आके बात कहने में कोई तकलीफ ना हो, वो मुझ तक आ जाए। तो बहुत भावुक डिसीजन था, मैंने ले लिया और तुरंत कूद पड़ी मैदान में। फिर बाद में उसके बाद फिर ये हुआ कि भाई बच्ची भी है, बच्ची को भी लेकर जाना है, साथ में रखना है। तो अपनी बच्ची को लेकर और मैं सुबह से रात तक फील्ड में काम करती थी, और मेरी 1.5-2 साल की बच्ची थी, उसको लेकर अपने साथ चलती थी, उसका खाना, उसका पीना, उसका दूध सब समाज के भरोसे होता था। किसी के घर पे गाड़ी खड़ी हो जाती थी, कोई खिलाता था, कोई पिलाता था, कभी कभी रोती भी थी कि मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है। बड़ी बच्ची थी, वो भी बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी ही थी, वो भी 3-3.5 साल की थी वो भी, तो वो भी बहुत मिस करती थी। पर जब थाना है, तो जब समाज के लिए कुछ करना है, तो परिवार को तो दरकिनार करना पड़ेगा, या
पूरा समाज ही फिर कब आपका परिवार बन जाता है समझ ही नहीं आता। आज भी मेरी समझ नहीं आता कि मैं तो चली थी अकेले, पर देखते देखते इतना बड़ा परिवार मेरा बन गया कि कभी किसी के बेटे का तिलक में जाना है, कभी किसी के जन्मदिन में मेरे बिना नहीं होगा, कभी किसी के मुंडन में भोर में 5 बजे पहुंचना है, और कभी किसी का ईश्वर के पास अगर कोई जाता है तो मन में ऐसा लगता है, इतनी पीड़ा होती है जैसे कि अपना कोई चला गया। तो इस तरह का मेरा परिवार कब निर्माण हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो एक छोटा सा संघर्ष चल रहा है और अभी भी चल रहा है, और मुझे लगता है कि जिस भाव को लेकर मैं चली हूँ, जब तक समाज में रहूंगी अपने इस भाव को बनाए रखूंगी। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ये सब सेकेंडरी है, प्रायोरिटी क्या है, जो मेरी सोच थी, जिस सोच को लेकर मैं चली कि मुझे इस समाज को कुछ अच्छा देकर जाना है, उसको लेकर मैं हमेशा चलूंगी। मुझे लगता है थोड़ा बड़ा स्टोरी है पर यह सच है। जी बहुत अच्छी बात आपने कही, और जो सुनेंगे उन्हें एक प्रेरणा भी मिलेगा कि जब कुछ बदलाव अगर करना है तो सबसे पहले खुद को आगे करना होगा। बिल्कुल, आपने जैसा कहा भी कि कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा, तो आपने कमल खिलाने के लिए आप उतर ही पड़ी और कमल में ही यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। तो ये जो निर्णय था आपका भारतीय जनता पार्टी में आने का, वो कैसे बना है? मतलब यानी कहने का मतलब वो डिसीजन, जब वो इंसिडेंट हुआ आपके परिवार में, तो आपने वो जो डिसीजन लिया वो तुरंत ही ले लिया, और फिर कब मतलब राजनीति में किस वर्ष में आप आई, और ये इंसिडेंट कब हुआ था, और साथ में आपके विजन के बारे में? मुझे लगता है कि 2011 की बात है, 10 या 11 समथिंग ऐसा था उस समय की ये बात है। और भारतीय जनता पार्टी में आना मेरा, मुझे लगता है कि ये मेरे फेट में था कि मुझे इसमें आना है। इसमें सबसे बड़ी एक चीज जो है, जो मुझे आज तक इस दल से मुझे जोड़े रखती है, मैं आपको बताऊं कि जब मैंने राजनीति में आने का सोचा था तो तमाम दल थे, पार्टी ज्वाइन कर सकते थे किसी भी दल में, पर भारतीय जनता पार्टी में आने के पीछे का मेरा मकसद एक सोच है कि एक राष्ट्रीयता की सोच है। मैं बता दूं आपको, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी देशभक्त हूँ, और मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैंने हिंदुस्तान में जन्म लिया, मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करती हूँ। पर जब मैं राजनीति में उतरी थी तो मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आती थी, वही घर की बहू थी, घर की महिला कितना समझती है, पर मुझे एक चीज ये समझ में आती थी कि राष्ट्र की राजनीति, देश की राजनीति अगर कोई करता है दल, तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। इतनी बुद्धि तो मुझे थी, क्योंकि बसपा का तो शासन में ये सब हो ही रहा था, मैं देख ही रही थी, और सपा के भी उस समय जो विपक्ष में थे, हम लोग विपक्ष की भी, भाई अगर पक्ष आपका विरोध कर रहा है तो आप विपक्ष के पास भी तो जाते हैं ना कि विपक्ष हमारी हेल्प करेगा या विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा। होना नहीं होना है, इट्स टोटली डिफरेंट थिंग, तो हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, पर आपकी एक, आपका एक रोल है, आपसे समाज कुछ विपक्ष से चाहता है कि आप गलत को गलत कहें, इतनी आप में बल हो। तो उस समय की विपक्ष में समाजवादी पार्टी थी, तो मैंने उनका हाल देख ही लिया था उस समय, और कांग्रेस का तो मुझे कभी भी मैं कांग्रेस की समर्थक नहीं रही हूँ, मेरा विचार नहीं मिलता है उससे। और भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा से एक हिंदुस्तान को समर्पित सोच रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में ही रह के राजनीति करनी है। इस दल में एक लोकतंत्र है, आप खुल के कोई बात कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, आपकी कोई डिमांड है आप मांग सकते हैं, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, स्वतंत्रता है। तो ये बहुत अहम चीज थी मेरे लिए कि मैं अगर राजनीति में आ रही हूँ तो स्वतंत्रता के साथ आऊं। और ये इंसिडेंट के बाद मुझे लगता है कि 2-2.5 महीने के बाद ही मैं राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हो गई। तो कैसा था वो अनुभव शुरुआत का, जब आपने शुरुआत की, आपने बताया भी कि स्ट्रगल रहा, एक छोटी सी बेटी थी 1.5 साल की, 5 साल की बच्ची थी एक, और उस दौरान जगह जगह जाना, राजनीति की समझ भी नहीं रही होगी, तो वो जो अनुभव शुरुआती जो संघर्ष था, शुरुआती दौर का, जिसमें जब आपको पता नहीं होता है, बाद में धीरे धीरे सभी चीजें ठीक हो जाती हैं, लेकिन उस दौर में जब आपने शुरुआत की, तब आपको कैसा अनुभव रहा, लोगों का सपोर्ट आपको कैसे मिला? देखिए मैं कहूंगी बाय गॉड ग्रेस, मुझे शुरू से जब फर्स्ट डे था मेरा, फर्स्ट डे ही मुझे एक पार्टी का प्रदर्शन कोई चल रहा था, और उस प्रदर्शन में ही मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, और पहला दिन था, मुझे आज भी याद है,
पहले दिन जब मुझे मंच मिला तो घर की एक आपके भाभी होंगी या आपके घर में या जो दर्शक ये देखेंगे इंटरव्यू उनके घरों में भी बहू होगी, तो वो एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर घर की बेटी है बहू है तो वो कितना बोल पाएगी मंच पे, क्या कर पाएगी। पर मुझे जब फर्स्ट टाइम मैं गई और मुझे पार्टी ज्वाइन कराया गया, तुरंत मुझे मंच दे दिया गया बोलने के लिए, तो 10 सेकंड तो मैं एकदम पॉज हो गई 10 सेकंड के लिए कि यार अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है। पर फिर शुरू हुआ और फर्स्ट डे के साथ ही आज तक हो गया, मुझे लगता है बलिया के लोगों से और मेरा संपर्क आज 10-12 साल हो गया, और इतना प्यार वो पहले दिन से जो प्यार संबंध बना था, जो सम्मान की दृष्टि से मुझे लोग देखते थे, आज भी ना उस प्यार में कमी आई है ना उस सम्मान में कमी आई है, और मैं खुद को बहुत बहुत लकी समझती हूँ कि इतना प्यार मुझे बलिया की जनता करती है। भले ही मैं बासडी से चुनाव लड़ती हूँ, बासडी के लिए सब कुछ करती हूँ, बासडी मेरे पूरी जो सेंटर है, एक्टिविटी सेंटर है, वो मोस्टली बासडी रहता है, पर तब भी पूरी बलिया जिले की जनता मुझसे बहुत प्यार करती है। अब कोई बहू मानता है, कोई बेटी मानता है, कोई बहन मानता है, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। हाँ, थोड़ा तो तकलीफ होता है जब आप उतरते हैं किसी भी नई चीज को करने की आप ठानते हैं। मुझे याद आता है मेरी बच्ची को मैं छोड़कर और जब गांव में भ्रमण करती थी, उसको खड़ा रखती थी, तो छोटी बच्ची थी, वो बता नहीं पाती थी, कह नहीं पाती थी कि उसको क्या चाहिए, उसको भूख लगी है कि उसको कुछ क्या खाना है। उतनी बच्ची दाल चावल का नाम भी अच्छे से नहीं, दाल चाल करती थी उस समय, और उबले आलू खाती थी, ये सब उसकी कुछ चीजें थी जो वो खाती थी बड़ी मुश्किल से। अब आप किसी के यहाँ जाके अगर गाड़ी खड़ी है तो वो तो भाई जो उसके घर में रूखा सूखा बना, अच्छा बुरा बना, वो खिलाने का प्रयास बच्ची को करते थे जनता, पर वो खाती नहीं थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि इतना रोने लगेगी, फिर कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, फिर मुझे खोजा जाता था, मैं आती थी, मुझे पकड़ के वो लगती थी रोने, और वो जब मुझे याद आता है तो बहुत मुझे तकलीफ होती है उस बात को लेकर। फिर जब चुनाव लड़ने उतरी तो मेरी जब चुनाव आ गया पास में नजदीक में, तो मुझे अपनी बड़ी बेटी को उसकी नानी के यहाँ भेजना पड़ा, क्योंकि मैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उस समय पढ़ाई का समय था, मैं ध्यान दे नहीं पाती थी, तो उसको मुझे भेजना पड़ा, कई सालों मुझसे दूर रही। तो बहुत एक जो व्यक्तिगत जीवन में मैंने बहुत कुछ खोया जनता का साथ और प्यार पाने के लिए, मुझे लगता है, पर हाँ करना तो पड़ता है। कभी कभी बहुत सारी चीजें आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ती हैं कि हमें क्या किस दिशा में ले जाना है खुद को, किन किन चीजों से हमें मतलब थोड़ा दूर करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन चलिए, उसी में आपका संघर्ष रहा है और उसी में आपने आज इस मुकाम पे है कि लोगों के बीच आपको इतना प्यार मिलता है, इसमें आपको एक पहचान मिली है अलग। मैं आपके विजन के बारे में, आप अपने विजन के बारे में हमें बताएं और आगे के मुद्दे क्या हैं आपके। विजन तो बस एक ही है जो शुरू से है, मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं मुझे याद है जब 9th-10th में थी और जब मुझे ये होश आया कि थोड़ा बहुत में सेंस आया, तब से मेरे मन में एक ये चीज हमेशा रहती है कि मुझे जन्म दिया है ईश्वर ने, या मैं इस धरती पर आई हूँ तो मुझे कुछ करना है समाज के प्रति। और पता नहीं क्यों ये कैसा था मेरा कि जब 9th-10th में थी तो भी अपनी क्लासेस अक्सर छोड़कर और मैं वृद्धा आश्रम में चली जाती थी। वहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में एक वृद्धा आश्रम था, तो हम लोग सारे फ्रेंड्स वहाँ जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ बात करेंगे। आज भी मैं अपने बच्चियों का बर्थडे मोस्टली दिव्यांग बच्चों के साथ ही मनाती हूँ, बलिया जाती हूँ, वहीं हम लोग अपने में केक काटते हैं, ये करते वो करते हैं, तो मैं उनके साथ ही बिताती हूँ। तो मेरा विजन एकदम स्पष्ट है कि पूरी पवित्रता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ मुझे अपने जो मैंने कमिटमेंट लोगों से किया है, जो समाज के प्रति किया है, मैं उसको पूरा कर सकूं, एक स्वस्थ राजनीति की शुरुआत जो हम लोगों ने की है उसको निभा सकूं, और जो भी जो मैंने अनुभव किया, जब मेरे साथ दिक्कत आई तो जो मैंने अनुभव किया कि कोई नेता नहीं है, वो अनुभव किसी को ना हो, इसका मैं प्रयास कर सकूं। हर बहन, हर बेटी, हर महिला
अगर दिक्कत में है, तकलीफ में है, तो उसको केतकी सिंह का नाम जरूर याद आए कि अगर मैं उनके पास जाऊंगी, अगर उनसे कुछ कहूंगी तो वो मेरी बात सुनेंगी। ये मेरा एकदम स्पष्ट विजन है। कोई भी चीज और कोई भी बात मेरे लोगों से बढ़कर नहीं है, जनता से बढ़कर, आम लोगों से बढ़कर नहीं है, सब चीज उसके बाद है। तो ये मेरा एक स्पष्ट विजन है। अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ करके दिखाना चाहती हूँ, अपने देश के प्रति कुछ समर्पित करना चाहती हूँ। और रघु बाबा की धरती रही है, जेपी नारायण जी की धरती रही है, इतनी इतनी ओजस्वी धरती। और जब बलिया को कोई पिछड़ा कहता है या पीछे कहता था तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि मैं बलिया की बेटी हूँ, बलिया की बहू हूँ, और बलिया अगर पीछे है तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत कष्ट होता था। तो मुझे ये लगता है कि मैं अपने जिले को कुछ, और अभी तो काफ़ी सुधार आ रहा है, जब से हमारी सरकार बनी है बहुत बहुत सारी डेवलपमेंट हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरा भी जब समय आएगा तो मैं भी इसमें अपनी भूमिका निभाऊंगी बहुत अच्छे से। जी जी, मैं उस समय से आपके बलिया, आपके बासुकी के बारे में सुन रहा हूँ, मंगल पांडे, जयप्रकाश जी, चंद्रशेखर जी, वाकई काफी ऐसे पुरुष, महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश को बदलने के दिशा में ही काम किया था। तो उसी क्षेत्र के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ की मेन समस्याएं क्या है, मुख्य समस्याएं क्या है और विशेषताएं क्या है। देखिये, बलिया जो है ना, इसको ये गंगा नदी और सरजू नदी से पूरा घिरा हुआ ये जिला है। और मुझे बास्टी की मैं प्रॉपर बात करूं तो कई सारी समस्याओं के साथ एक प्रमुख समस्या जो मुझे लगता है कि हर साल हम लोग को झेलना पड़ता है, हम लोग मैदान पे हैं तो उतनी तकलीफ नहीं होती, पर जो लोग बांध पे हैं उनके लिए मैं देखती हूँ कि बहुत ज्यादा तकलीफ का विषय ये हो जाता है कि जब बाढ़ आती है तब, तो बाढ़ की ये जो समस्या है ये सबसे ज्यादा परेशानी वाली समस्या है इस समय बास्टी में। और मुझे लगता है कि इसको हल करने की जरूरत है। अभी अभी बांध का काम चल भी रहा है, हमारे यहाँ पे ये नौका गांव पड़ता है, वहाँ पे अभी कई वर्षों से कटान की हालत थी और आधा से अधिक गांव ढह गया था, पर जब भाजपा की सरकार आई तो फिर वहाँ पे हम लोगों ने ठोकर का निर्माण कराया और अब वो गांव सुरक्षित है, बचा हुआ गांव है। तो ऐसे कई गांव हैं जो कटान की वजह से या बाढ़ की वजह से खत्म होने के कगार पर पहुंच गए थे। तो काम चल रहा है और ठीक हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। पर सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है फिलहाल बाढ़ की है। बिजली की समस्या बहुत बहुत बड़ी थी, जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे लगता था बापरे मेरी मम्मी ने मेरी कहाँ शादी कर दी। उस समय बसपा की सरकार थी, वो 6 दिन में लाइट देते थे सब, और 6 दिन रात में लाइट देते थे सब। उसमें भी वो 6 दिन में वो 4 घंटे से ज्यादा लाइट आती नहीं थी, और 4 घंटे भी वो कंटिन्यूस लाइट नहीं आती थी। तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है। फिर सपा की सरकार मैंने देखी, तब तक तो मैं राजनीति में आ गई थी, तो सपा की सरकार में मेरे ऊपर, इवन हम कई लोगों के ऊपर FIR तक दर्ज हुआ एक ट्रांसफार्मर के लिए और खम्बों के लिए। इतनी समस्या रहती थी सपा की सरकार में भी, पर जब से भाजपा की सरकार आई है तब से बिजली में भी काफी सुधार आया है, 18-18 घंटे बिजली गांव वालों को मिल रही है। तो बिजली भी एक प्रमुख समस्या थी जिसका भी हल निकल चुका है। एक और समस्या मुझे ये लगता है कि एज अ लड़की मुझे ये फीलिंग होता है कि जो हमारे इंटीरियर इलाके हैं, बांध के जो एरिया है, वहाँ पे बच्चियों की पढ़ाई के लिए मुझे, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा भी है कि महिला कॉलेजेस की ज्यादा जरूरत है वहाँ पे, और एकाध नहीं, मुझे लगता है 5 की संख्या में विभिन्न विभिन्न, क्योंकि ज्यादा बांध हैं, ज्यादा इंटीरियर इलाके हैं, तो वहाँ पे लड़कियां निकल नहीं पाती हैं जाके पढ़ने के लिए। और मुझे लगता है शिक्षा के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत जोर है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, तो विद्यालय की, महाविद्यालय की, कॉलेजेस की ज्यादा आवश्यकता है। जी जी जी, केतकी जी, आपसे बात करके हमें काफी बढ़िया लगा, काफी अच्छा लगा, और जिस संघर्ष की आपने बातचीत की, हमें बताया उस संघर्ष को, आपको आपके आयाम मिले और आप राजनीति में सफलता के मुकाम पे जाएं, और जिस सोच के साथ आप आगे बढ़ रही हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो, हमारी तरफ से भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैलेंस बॉक्स इंडिया से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। मैं एक बात आपसे करना चाहूंगी स्वर्णताप जी, मैं छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ आपके इस इंटरव्यू के थ्रू।
सारे पेरेंट्स को, सारे जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने घर की बेटी को कभी भी कम मत आकिए। अपनी घर की बेटी को जितना हो सके, जितना आप बेटे को पढ़ाने का प्रयास करते हैं उतना आप बेटी को भी पढ़ाएं, बेटी को भी आगे बढ़ने दें। और यकीन मानिए, अगर आप बेटी पे भरोसा करेंगे तो बेटी हमेशा आपका सर ऊंचा करेगी। और हो सके तो जितनी पाबंदी हम अपनी बेटी पे लगाते हैं उसकी आधी भी अगर हम बेटे पे भी लगाएं, उनको भी यह बताएं कि लड़कियां सम्मान देने की चीज हैं, सम्मान की नजरों से देखने की चीज हैं, तो हमारे समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मेरा आप सभी अभिभावकों से यह छोटा सा निवेदन रहेगा कि बच्चियों को आगे बढ़ने का हम सब मिलकर एक समाज ऐसा दें, एक वातावरण ऐसा दें कि मेरी बेटी हो, आपकी बेटी हो, किसी की बेटी हो, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और वातावरण में खुलकर सांस ले सके। उसको यह पता हो कि मेरे माता पिता मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, और पूरी समस्त भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ, सरकार के साथ आपकी बेटी की सुरक्षा, मान सम्मान के लिए प्रतिबद्ध खड़ी है। यही निवेदन मैं आप सभी से करना चाहती हूँ। धन्यवाद।